तुम पे सब ब्रजरा जो भावे सोई करो हाथ तुम्हारे हाथ तुम्हारे लाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान श्री सीता राम चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज श्री सूत सोनकादि ऋषीन की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राम। शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वनमालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सकल हेय प्रत्यनीक अनंत दिव्य गुणों की समुद्र करुणा निधान आनंद कन्न भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी योगी महती कृपा करुणा से हम सभी अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण एवं कथन कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों पर बड़ी कृपा है। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो भगवान की कथा कहने सुनने का दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत जी की ये सप्ताह कथा आज अपने सप्तम दिवस में माने अंतिम दिवस में प्रवेश कर रही है। इतने दिनों से बड़े आनंद से बड़े प्रेम से हम सब लोग भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम का अवसर है। ये सत्संग का समय इतनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी ऐसा लगता है कल कथा शुरू हुई थी आज विराम हो गई पूर्ण हो गई। भगवान ऐसी कृपा हम सब लोगों पे करें कि ये सत्संग का सौभाग्य हमें जीवन में मिलता है। तो जो भगवान की दया से हमें समय मिला था उसमें हमने अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कुछ भगवान के चरित्र कहे। आज सब लोगों ने श्रवण किया। भगवान की कथाएं अनंत हैं, अपार हैं, उनका कोई पार नहीं। शेष जी सरस्वती जी नारद जी शंकर जी निरंतर भगवान के गुणों का गान करते हैं। वेद नेति नेति कहकर जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं गान करते हैं वे भी पूरा नहीं कर पाते। अनंत काल से अनंत काल तक भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं लीलाओं का वर्णन करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है। हमने तो अपनी वाणी को पवित्र किया
जो समय हमें मिला था उसमें भगवान की चर्चा करके हमने अपने समय को सार्थक किया। अनेक बातें कही गई, अनेक बातें रह गई। आज आप भी कह रहे थे कि वो चरित्र रह गया, वो कथा रह गई। मैंने कि वो चरित्र है ना, यानी कितनी कथाएं रह गई। एक निश्चित समय में तो भैया कुछ सीमित ही चर्चा हो सकती है। और अब देखो भागवत जी की कथाओं का समय भी बहुत अब कम हो गया है। पहले 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे कथाएं होती थी, अब 3 घंटे में, 4 घंटे में कैसे इतने विस्तृत पुराण की चर्चा हो। अब तो ये है जो प्रसाद मिल जाए उसका आनंद लो, उसको ग्रहण करो, जीवन में उतारो, और जो कुछ रह जाए उसको फिर आगे के लिए छोड़ दो। आगे भी तो सुनना है, ऐसा थोड़ी एक ही बार में सब कुछ सुन लेंगे, आगे भी सुनना है, आगे भी कहना है, इसलिए आगे के लिए छोड़ दें। भगवान फिर कभी कृपा करेंगे, फिर ऐसी ठाकुर जी की चर्चा होगी। कहने का आशय यह है कि भगवान की कथा हमें सदैव सुनते रहना है। ये सप्ताह कथा हमने सुनी तो इसके बाद हम ये निश्चय करें, ये नियम लें कि अब आगे भी हम भगवान की कथा सुनते रहें, जैसे भी हो। ऐसा माता जी हमें ऐसा लगता है ऐसा कोई नियम हमें लेना चाहिए कि नियम से कुछ ना कुछ देर भगवान की कथा या तो सुनेंगे या फिर कोई सुनाने वाला ना मिले तो हम स्वयं कुछ ना कुछ देर पाठ करें। रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ लो, अर्थ सहित गीता जी का 1 अध्याय पढ़ लो, या फिर श्रीमद् भागवत जी का 1 अध्याय का पाठ करो, पर कुछ ना कुछ देर सत्संग जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। अच्छा देखो, हम अपने घरों में रोजाना साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता पवित्रता रखते हैं। घर को यदि पवित्र रखना है तो रोजाना झाड़ू लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। 2-4 दिन झाड़ू मत लगाओ क्या होगा, भले ही आपका घर चारों तरफ से बंद है, उसमें धूल मिट्टी कहीं आने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी धूल के कण जमीन पर फर्श पर बिखर जाते हैं अगर झाड़ू न लगे, सफाई न हो तो। घर को पवित्र रखने के लिए महाराज जान दें, घर को पवित्र कर रखने के लिए नित्य झाड़ू बुहारू की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है। हृदय रूपी भवन को पवित्र रखने के लिए नित्य सत्संग की जरूरत है, तमाम गंदगी। अच्छा देखो, ये हमारा शरीर भी घर है और इसमें हमारा 9 द्वार हैं। हम घर बनाते हैं उसमें 1 द्वार बनाते हैं, 2 द्वार बनाते हैं, कोई किसी का 3 साइड ओपन हो तो 3 द्वार बना लेते हैं, लेकिन ये घर तुम्हारा 9 द्वार है। 2 आंख के चित्र, यहां से भी गंदगी आ रही है। 2 कान के चित्र, कानों से भी गंदगी आ रही है। अब देखो, आंखों कानों की नाक की सब गंदगी है, उसको उसकी चर्चा नहीं करनी तो बहुत बात बढ़ जाएगी, आप सब जानते ही हैं। कानों की गंदगी क्या है, कानों में से जो हृदय में जा रही है पर निंदा पर चर्चा। नेत्रों की गंदगी क्या है, पर दोष दर्शन, ऐसा दृश्य जो नहीं देखना चाहिए, ऐसा दृश्य देखना वो आंखों की गंदगी है, वो हृदय में जा रही है, हृदय में सब कचरा जमा हो रहा है। मुख से भी न जाने कैसी कैसी वस्तुएं हम भीतर ले रहे हैं, खाने योग्य उनको भी ले रहे हैं और नहीं खाने योग्य उनको भी ले रहे हैं, गंदगी जा रही है ना भीतर। कितने छिद्र हो गए, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 6, 1 मुंह, 1 साथ और 2 मलमूत्र त्याग के, 9 छिद्र हैं। और 9 छिद्रों से निरंतर गंदगी भीतर भर रही है। तो भैया जो गंदगी भर रही है उसको साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हृदय रूपी भवन गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, और गंदी जगह पर, अपवित्र जगह पर भगवान कैसे विराजेंगे, ठाकुर जी नहीं विराजेंगे। अरे हम लोग भी, सामान्य लोग भी घर में रहते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं, तो जो सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म
सब देवताओं के स्वामी ऋषि मुनि महात्माओं के एकमात्र लक्ष्य परमात्मा, वे गंदी जगह पर अपवित्र जगह पर क्यों रहेंगे? उनको क्या गरज पड़ी है जो तुम्हारे घर में हृदय रूपी घर में कचरा भरा पड़ा वहां आकर के रहेंगे? ठाकुर जी को कोई गरज पड़ी है? भगवान के लिए रहने के लिए क्या स्थान कम पड़ गए? ठाकुर जी तो वैकुंठ में विहार कर रहे हैं, अपने भक्तों के हृदयों में विहार कर रहे हैं, क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है, जरूरत हमारी है। हमें चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में आए। तो इसलिए हृदय रूपी घर को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र रखने के लिए हमें नित्य सत्संग की जरूरत है। सत्संग चाहिए। सत्संग माताजी झाड़ू है, सत्संग की झाड़ू लगती रहे और भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। ये दो साधन यदि हम जीवन में ले लें। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज माला से जप करना वो हमें ठीक नहीं लगता, उसमें दिखावा सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम दिखावा कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं। माला से जप करना हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है, बिना माला के भी जप कर सकते हैं। मैंने कहा बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन महाराज जैसे कोई योद्धा रणभूमि में उतरता है, युद्ध के मैदान में उतरता है, अनेकों शत्रु उससे लड़ने के लिए आगे पीछे से चारों तरफ से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तो उन शत्रुओं को जीतने के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास अस्त्र भी हो और ढाल भी हो। अस्त्र और ढाल दोनों जरूरत है। अस्त्र होगा तो सामने वाले शत्रु को हम जीत पाएंगे, मार पाएंगे, और ढाल होगी तो उसके प्रहार को हम झेल पाएंगे, उसके प्रहार से बच जाएंगे। तो भगवान का, भगवान की एक मंत्र का जो जप है वो माला से करना इसलिए जरूरी है कि महाराज ये कलयुग जो है यही हमारा शत्रु है। इसमें तमाम दोष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब दोष हम पर आक्रमण कर रहे हैं। इन दोषों को जीतने के लिए माला रूपी शस्त्र जरूरी है। बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। माला कहे कबीर से, कबीरदास जी का एक पद है, दोहा है, मन का फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, और मन का फेर। कबीरदास जी का भाव है, अच्छा है, महापुरुष है, उनकी बात सिरमान थे, लेकिन उनके कहने का प्रयोजन ये है कि भैया केवल हाथ से ही मत करते रहो, मन में भी उस भाव का स्मरण करो। ऐसा ना हो कि केवल उंगली चलती रह जाए और मन खाली रह जाए, मन से भी भगवान का नाम का स्मरण करो। तो वे माला की कोई उपेक्षा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी माला देवी ने उनको जवाब दिया, कबीरदास जी को उत्तर दिया माला ने। माला कहे कबीर से, माला कहे कबीर से, तुम जन डारो मोए, मुझे हाथ से मत डालो, मत फेंको। बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई, क्योंकि मैं तुम्हारा शस्त्र हूं। माला हाथ में रहती है तो नाम के स्मरण का ध्यान, नाम के जप का स्मरण रहता, ध्यान रहता है, और माला रख दो, ये महाराज पापी मन, चंचल मन, यानी कहां कहां आपको ले जाएगा, भूल जाएंगे आप नाम जप। हम तो अपने अनुभव की बात कहते हैं कि माला जपने से बहुत लाभ है। इसलिए कुछ नियम ऐसा लेना चाहिए कि हम आसन पर बैठकर घंटा आध घंटा भगवान के नाम का जप माला से करेंगे, और फिर बाकी समय में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान का नाम लेना ही है, अभ्यास करना है, लेकिन कुछ देर माला से भी बहुत जरूरी है।
इसलिए एक तो भगवान की कथा का नित्य श्रवण न हो सके। देखो मोबाइल के माध्यम से टीवी के माध्यम से हम लोग श्रवण कर सकते हैं, अगर वो न हो सके तो ये पवित्र जो सदग्रंथ है ये हमें परमार्थ पथ में हमारी ही गति को बढ़ाने वाले हैं। परमार्थ पथ के बड़े सहायक हैं ये ग्रंथ। ये ग्रंथ जैसे जब बच्चा छोटा होता है और वो चलना नहीं जानता तो पिता माता उसको उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। ये ग्रंथ मैया बाप की समान हमें उंगली पकड़कर परमार्थ पथ पर चलाना सिखाते हैं। ये मैया बाप है, ये गुरु है, ये ग्रंथ गुरु है। ये आपको सारी समस्याओं का समाधान आपके करेंगे। परमार्थ पथ के जो भी जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, जितने भी कांटे हैं, उन सबको हटाने का काम ये ग्रंथ करेंगे। आपको आगे मार्ग में प्रकाश देंगे और आपकी गति उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। आपकी परमार्थ के पथ में श्रद्धा को बढ़ाने वाले हैं, विश्वास को जगाने वाले हैं। इसलिए इन ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। कथावी महाराज, कथा सुनना बहुत अच्छा है लेकिन हम निवेदन करें विनम्रता पूर्वक, कथा जो वक्ता शास्त्रीय सिद्धांत के अनुरूप बोलते हो और उनके जीवन में सदाचार हो, सत्य हो, पवित्रता हो, ईमानदारी हो, ऐसे जो वक्ता महानुभाव हैं उनकी वाणी को प्रभावित करती है और जीवन को बदलती है, तो ऐसे वक्ताओं की वाणी को तो सुनना चाहिए। बाकी हर जगह कथा सुनने में भी बड़ा महाराज भय है। ऐसी ऐसी बातें सत्संग में होने लगी हैं कि उनको यदि मान ले तो महाराज हमारा सारा साधन चौपट हो जाए। आज हम चर्चा कर रहे थे कि लोभ के कारण सब प्रकार के वक्ता जो अधिकारी हैं, अनधिकारी हैं, वो कहने लग गए, क्योंकि यहाँ कथा कहते हैं भगवान की तो ठाकुर जी कृपा से खूब महाराज लोग श्रद्धा करके देते हैं, सब प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो लोगों को लोभ हो आया और जो अधिकारी हैं अथवा जो नहीं है सब कथा कहने लगे। अब जिनके जीवन में शास्त्रीय सदाचार है उनकी वाणी तो सुनने योग्य है, पालन करने अनुकरणीय है, और जो स्वयं शास्त्रीय सदाचार का पालन नहीं करते, मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, उनकी वाणी भी कैसे हम लोग श्रवण करें। तो इसलिए कथा सुनने में ये सावधानी है, जो महापुरुष जो भगवान की कथा के कहने वाले जो ठीक ठीक भगवान की कथा सुनाते हैं, जिनका सिद्धांत शास्त्र के अनुकूल है, जो संतों की वाणी के अनुरूप जो बात कहते हैं और जो शास्त्र का कहीं खंडन नहीं करते, ऐसे वक्ताओं की कथा सुनो, और नहीं तो इन ग्रंथों का ही आश्रय। हमें तो ये बहुत अच्छी बात लगती है इन ग्रंथों का आश्रय लेकर के हम परमार्थ के पथ में आगे बढ़े। तो महाराज ये हम निवेदन करना चाहते हैं, हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, आज अंतिम दिन है, विश्राम का अवसर है, जितना समय हमारे पास है उतनी देर भगवत चर्चा करके आगे के चरित्रों का स्मरण करके अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। लेकिन कहने सुनने का फल हमको यही प्राप्त होना चाहिए कि अब हमें सत्संग की लगन लग जाए, कथा की लगन लग जाए, भगवान के चरणों में लगन लग जाए, ठाकुर जी में प्रेम हो, श्रद्धा हो, शास्त्रों में, गौ में, ब्राह्मण में, साधु में हमारी श्रद्धा जगे और हम लोगों का जीवन पवित्र हो, सोच सदाचार से युक्त हो और हम परमार्थ के पथ में आगे बढ़े, ऐसा हमारा निवेदन रहता है। आज के दिवस में हम चरित्रों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल
श्री रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का हमने वर्णन किया। शाम के समय समय बहुत अधिक हो गया था और कथाएं बहुत थीं, इसलिए जल्दी जल्दी में अंत में चरित्रों का स्मरण हुआ। तो उसमें रुक्मिणी जी ने जो पत्र श्री ठाकुर जी के पास भेजा है, प्रेम पत्र रुक्मिणी जी का, और जो भाव उन्होंने निवेदन किया है उसका स्मरण हम करना चाहते हैं, फिर आगे की कथा का स्मरण करेंगे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राधे। रुक्मिणी जी कह रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो तापम रूपम दृशा दृशिमतामखिलार्थलावम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रकम मे। रुक्मिणी जी कह रही है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके उदार गुण जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके त्रिविध ताप का नाश कर देते हैं, हृदय में प्रविष्ट होकर के उसके त्रिविध ताप का नाश कर देते हैं, ऐसे आपके गुण जब से मैंने सुने हैं तब से महाराज मेरा मन आप में लग गया। रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, उनके यहाँ नारद जी आते थे और नारद जी भगवान के गुणों को सुनाते थे। कोई हमें जीवन में ऐसे संत की ही आवश्यकता है जो भगवान के गुणों को हमें सुना दे, और जिनके जीवन में ऐसे संत आए उनको भगवान भी मिल गए। विभीषण जी लंका में रहते थे और भगवान का स्मरण भजन करते थे, लेकिन उनको ऐसा विश्वास नहीं था कि मैं एक तो असुर और उनके शत्रु का भाई रावण का भाई, उनको ये भरोसा हृदय में नहीं हो पा रहा था कि मैं यदि यहाँ से गया भगवान की शरण में तो क्या मुझे भगवान अपनाएंगे। वे सोचते थे कहीं मुझे शत्रु का भाई समझकर मुझे ठुकरा ना दे, और यदि महाराज यहाँ से चला गया वहां भी शरण मिली नहीं तो फिर तो घर के रहे ना घाट पे, इसलिए उनके मन में विश्वास नहीं हो पा रहा। हम लोगों के मन में भी हमें लगता तो है हम भी इस मार्ग पे चले, लेकिन विश्वास कराने वाला कोई साधु होना चाहिए। नहीं नहीं चलो तुम कर सकते हो, नहीं ऐसी क्या बात की कमी है जो तुम नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो। उन्होंने पाया उन पर उन भगवान की कृपा हुई, अरे वे तो ऐसे ही थे, वो तो तुमसे भी गए बीते थे, अजामिल गणिका गीध व्याध, वे कहां कौन सा साधु उन्होंने किया था, उन पर भी तो भगवान की करुणा बरसी कृपा बरसी, आप पर क्यों नहीं होगी। ऐसा विश्वास दिलाने वाला कोई होना चाहिए। लंका में आए हनुमान जी, श्री हनुमान जी आए पधारे और हनुमान जी ने विभीषण जी को क्या महाराज सुंदर वृतांत सुनाया। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी मुझे विश्वास हो गया, भगवान की कृपा तो मुझ पर है, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं यहां से, हनुमान जी ने पूछा था विभीषण से, तो बोले भैया ऐसे दुष्टों के साथ तुम कैसे रह पा रहे हो, कैसे तुम्हारा भजन साधन चलता है, क्योंकि और सब भगवान दे दे और सब दुख प्रतिकूलता हमें दे दे, लेकिन दुष्ट संग जनि देव विधाता, और दुष्टों के संग से भगवान हमें बचा करके रखे। दुष्टों का संग तो बड़ा भयंकर है महाराज, आप इनके साथ रहकर कैसे भयन कर पाते हो। विभीषण जी कहते हैं महाराज बहुत संकट है, बहुत कष्ट है जीवन में, लेकिन फिर भी चल रहा है, पर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं जा भी तो नहीं सकता,
अब आप आए हैं, आप कृपा करके बताओ। बोले मैं अगर यहाँ से चल दूं तो क्या श्री रघुनाथ जी मुझे शरण में रख लेंगे, क्या भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात सुनाई है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, आप कहते हो कि क्या मुझे श्री राम जी स्वीकार करेंगे? अरे आपको रघुनाथ जी क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? जब मुझे स्वीकार कर लिया, जब मेरे जैसे वो स्वीकार कर लिया, तो आपको क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, भगवान का स्वभाव तुम सुनो, भगवान सदैव अपने सेवक पर, अपने भक्त पर प्रेम करते हैं। भगवान केवल भक्त के हृदय के भाव को ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। अगर देखते होते तो हम जैसों का गुजारा भगवान की शरण में नहीं होता। कहिए मैं कौन सा बहुत पवित्र कुल का हूं? अरे आप तो कम से कम, आपका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, माता ही तो असुर कुल की है, पिता की ओर से तो आप ब्राह्मण हैं। अरे मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं, मैं तो बंदर हूं। हनुमान जी बोले, कहू कवन में परम कुलीना। संत ऐसे लगाते भजन में, संत कहते हैं भैया जब हम जैसे दीनहीन पर, अधम पर, पापी पर कृपा हो गई, तुम पर क्यों न होगी। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आरा। मैं तो ऐसा अधम हूँ, अधम हूँ, ऐसा अपवित्र हूँ कि कोई सवेरे सवेरे हमारा दर्शन कर ले, बंदरों का, बंदर का नाम ले ले, ओ महाराज उसका पूरा दिन खराब हो जाए, उसको दिन भर भोजन न मिले, कहो ऐसा अपवित्र, ऐसा अधम। बोले मेरे ऊपर भी उन्होंने कृपा की है तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करें? असमे अधम सखा सुन वो ऊपर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचनी। ऐसा कहते कहते श्री हनुमान जी के नेत्र भराए, प्रेम में, आनंद में भर गए। और हनुमान जी ने कहा, जानत हूं अस स्वामी विसाई, फिर नहीं करते, स्मरण नहीं करते, वो दुखी ही होंगे। वो दुखी क्यों ना हो, उनको दुखी होना पड़ेगा। अरे जब तक नहीं जानते थे तब तक भगवान से विमुख रहे आए तो कोई बात नहीं, अनजाने में आप ठाकुर जी से विमुख बने रहे कोई बात नहीं, जब जान लिया भैया तब तो मान लो, जानकर तो मानना चाहिए। अगर जान करके भी आप भगवान के स्मरण में, भजन में नहीं लगे तो फिर भैया दुखी होना पड़ेगा, फिर हमें हमारे दुखों से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं, सामर्थ नहीं। कहीं कैसा भी काला धागा बांध लो, कहीं नारियल चढ़ा दो, कहीं किसी ग्रह को पूज लो,
कोई सुखी नहीं कर सकता। कहीं चले जाओ, किसी देवता का आश्रय ले लो, कोई सुखी नहीं कर सकता। यदि ऐसे भगवान को जान कर भी भुला दिया, फिर सुखी कोई कर नहीं सकता। तो हनुमान जी ने महाराज भगवान के गुण सुनाए, विश्वास जगाया, प्रेम जगाया, श्रद्धा जगाई, विभीषण जी के हृदय में उत्साह हुआ। और फिर कथा के क्रम में विभीषण रावण के पास पहुंचे हैं। रावण को समझाया है, भैया जी, सारी समस्या की जड़ आपके हृदय का अभिमान है, काम है। आप यदि अपने कुल का भला चाहते, अपना भला चाहते हैं, तो जानकी जी उनको आदर सहित ले जाइए और श्री राम जी को सौंप दीजिए। नहीं तो महाराज पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वे साक्षात भगवान है, जिनके भय से काल भी डरता है, जो ब्रह्मा जी के, शंकर जी के भी आराध्य हैं, ऐसे प्रभु से बैर करने में भलाई नहीं। विभीषण ने रावण को समझाया। जब तक हनुमान जी ने उनके भीतर विश्वास पैदा नहीं किया था, तब तक उनके मन में कुछ कहने की हिम्मत नहीं आई। जब विश्वास हो गया तो उन्होंने महाराज निर्भय होकर कहा, निडर होकर कहा। और रावण फिर क्रोधित भी हुआ, और रावण ने फिर भीषण जी को लात मार करके लंका से बाहर निकाला। भीषण बोले, कोई बात नहीं, मैंने, मेरा काम था आपको हित की शिक्षा देना, लेकिन अब आज जब समझाने से समझते नहीं, मानते नहीं, बोले अब महाराज हमारी ड्यूटी पूरी, अब हम चले। और ऐसा कहकर सुग्रीव चले हैं, मंत्रियों को साथ लिया और आकाश मार्ग से समुद्र को पार करते हुए राम जी की शरण में आए हैं। और राम जी की शरण में आकर उन्होंने कहा, क्या कहा है, श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे रघुनाथ जी, आप भव के भय को हरने वाले हैं, आप भव के भय को हरने वाले हैं, शरणागतों को सुख देने वाले हैं, आरती भंजन हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने सुना है कि जो आपकी शरण में आता है, आप उसका त्याग नहीं करते। तो विभीषण जी को हिम्मत कैसे आई? विभीषण जी को हिम्मत आई भगवान के गुणों को सुनकर। ऐसे ही रुक्मिणी जी, उनके भीतर ऐसा विश्वास कैसे जग गया? उन्होंने भगवान को देखा नहीं, केवल भगवान के गुणों को सुना था, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये शरीर या तो श्री द्वारिकाधीश का रहेगा, और नहीं तो शरीर रहेगा ही नहीं। बताओ, आपने देखा नहीं, आपकी परस्पर बात नहीं हुई, कभी कोई फोन कॉलिंग नहीं हुई, आपने ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि हमने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया? भाई, ऐसा निश्चय तो तभी किया जाता है ना, सामने वाले का भी तो पता चले कि हम जिसके लिए मरे जा रहे हैं वो हमारे प्रति थोड़ा प्रेम रखता है कि नहीं रखता। पर रुक्मिणी जी को ये मालूम था कि जिनकी, इनकी शरण में जो कोई जाता है उसका त्याग नहीं करते, इसलिए रुक्मिणी जी के हृदय में विश्वास जग गया कि वे मेरा भी स्वीकार करेंगे, मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और पत्र में भेजा, प्रभु आपके गुणों को सुनकर के मैं आपके चरणों में आसक्त हो गई हूँ, अनुरक्त हो गई हूँ, अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ये शिशुपाल मेरा वर्ण न कर ले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप आइए और यहां से आप मेरा हरण करके ले जाइए। उन्होंने गाया, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती
श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत हृदय बिहारी,
भगवान
मारने के बहुत उपाय किए लेकिन वो भी नहीं बच पाया। और यहाँ समरासुर ने तो महाराज समुद्र में फेंक दिया, नन्हे से छोटे से बच्चे थे। लेकिन भैया जिसको भगवान बचाना चाहे, भगवान रक्षा करना चाहे, उसको कौन मार सकता। एक मछली, बड़ी मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई और उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और मछली बहुत बड़ी थी तो उसको पकड़ करके राजा के यहाँ ले गए। और राजा वही है समरासुर, समरासुर दैत्य, उसी के यहाँ वो मछली को ले गए। अब बताओ वो मछली गई उसकी रसोई में, मछली कहाँ गई किसकी रसोई में गई, समरासुर नाम के एक राक्षस की रसोई में मछली गई। ये मांस मछली अच्छे लोग नहीं खाते, सज्जन लोग नहीं खाते, ऐसे असुर राक्षस वृत्ति के लोग ही ऐसा आहार करते। तो मछली गई समरासुर के यहाँ और वहां उसको महाराज रसोईयाओं ने काटा तो उसके भीतर से श्री प्रद्युम्न जी निकले और वहां प्रद्युम्न जी की प्रतीक्षा में उनकी पत्नी वती मायावती का रूप धारण करके वहां रसोई में सेवा करती थी। नारद जी ने बता दिया था कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा पति तुम्हें यहीं मिलेगा। अब जैसे उसने प्राप्त किया प्रद्युम्न जी को, उसने कहा कि इन्हें तुम मुझे दे दीजिए, मैं इनका पालन पोषण करूंगी। और राजा को इस बात का पता नहीं चला समरासुर को, और वे गुप्त रूप से छुप करके वहीं महल में ही उनकी उनको बड़ा करने, उनका लालन पालन करने लगे। काल अपने ही घर में पल रहा है, जिसको मारने की कोशिश की गई उसको मार नहीं पाया, अपने ही घर में पल रहा है। अब तो प्रद्युम्न जी थोड़े बड़े हुए तो जो उनकी पत्नी रति हैं, उनका भाव उनके प्रति कुछ बदल गया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे देवी तुमने तो मेरा पालन किया है, तुम मेरी धाय माता की तरह हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भाव मेरे प्रति ठीक नहीं। तुम जिस तरह से मुझे देखती हो, जिस तरह से मेरा स्पर्श करती हो, मुझे ठीक नहीं लगता, क्या है तेरे मन में। उन्होंने उनको पूर्व चरित्र स्मरण कराया, बोले महाराज मैं आपकी माता नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं रति थी, आप कामदेव थे, इस जन्म में आप प्रद्युम्न हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हुए हैं, और मैं आपकी पत्नी मायावती के रूप में यहाँ सेवा कर रही हूँ। तब भगवान श्री प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और वो जब थोड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने समरासुर के साथ युद्ध किया और समरासुर को मार करके और अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न जी पहुंचे हैं द्वारका। प्रद्युम्न जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए हैं तो उनकी शोभा, उनका स्वरूप एकदम भगवान श्री कृष्ण के जैसा, ज्यादा अंतर नहीं, माने दूर से आप देखो तो पहचान ही न पाओ। तो जब ये राज महलों में, जहाँ रानियों के महल हैं, निवास हैं, वहां जब ये अपनी पत्नी के साथ आए हैं तो सब रानियां इनका दर्शन कर रही हैं, तो उनको लगा कि श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। और उनके साथ रति हैं, मायावती हैं, तो उन्होंने सोचा देखो हम 16108 रानी पट रानी पहले से इन्होंने ब्याह रखी है, लगता है अब 109वीं को ब्याह लाए। उनको लगा कि श्री कृष्ण है और किसी नई राजकुमारी को ब्याह करके लाए। लेकिन जब पास आए देखा कि अरे लगते तो उनके जैसे हैं लेकिन वो नहीं है, तो वे सब शर्मा गई, सुचा गई और उनको बड़ा कौतूहल हुआ ये कौन है। जब रुक्मिणी ने प्रद्युम्न जी को देखा उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ा, ऐसा लगा कि मेरा पुत्र ही लौट कर आ गया है। वे विचार करने लगी कि मेरा पुत्र अगर जीवित होगा कहीं तो ऐसा ही हो गया होगा, इसी आयु को प्राप्त हुआ होगा। तब महाराज नारद जी ने आकर के बताया है रुक्मिणी जी ये आपके ही पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी आपके पुत्र हैं, ये आपके पुत्र वधु हैं। और महाराज जैसे ही द्वारिका वासियों को मालूम चला कि रुक्मिणी का 10 दिन का खोया हुआ बालक आज वापस आ गया है तो बड़ा आनंद द्वारिका में हुआ, सब लोगों ने उत्सव मनाया।
ऐसा महाराज प्रद्युम्न जी की कथा और इसके बाद भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, एक द्वारिका में सत्राजित नाम के राजा थे। वो सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे और सूर्य भगवान ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि और वो मणि की ऐसी महिमा थी कि जो उसको धारण करे वो महाराज बड़ा तेजस्वी हो जाता, सूर्य के समान उसकी आभा हो जाती और वो मणि 8 भार स्वर्ण रोज उगलती थी, उसमें से सोना निकलता था मणि में से। अब महाराज ऐसी मणि किसी के पास हो उसके क्या ठिकाने, वो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त करेगा। अब महाराज ऐसे ही हुआ, सत्राजित बड़े वैभव को प्राप्त हो गए और जहाँ देखो दान करते हैं, धर्म करते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं ब्राह्मण भोजन हो रहा है, कहीं गौ सेवा हो रही है, उन्होंने खूब दान धर्म किया। जब संपत्ति किसी उदार व्यक्ति के पास आती है तो उसकी शोभा होती है, वो सही जगह खर्च होती है, और किसी कंजूस के पास, लोभी के पास पहुंचती है तो वो संपत्ति भी महाराज दोष बन जाती है, वो किसी काम नहीं आती। सत्राजित जी ने खूब दान धर्म किया, पुण्य किया। अब यहाँ महाराज ऐसे होता ना कि भाई हमारे घर में क्या कोई पेड़ लगा है पैसों का, तो पैसे झड़ा झड़ा करके हम दान धर्म कर दें, ये बात तो कही जाती है। लेकिन इनके यहाँ तो सिद्ध हो गई, सत्य हो गई, इनके घर में तो मानो पेड़ ही लग गया, रोज वो मणि सोना उगलती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मंत्रियों ने सत्राजित से कहा, महाराज आप मणि का खूब सदुपयोग कर रहे हो, लेकिन हमारी एक सलाह है, आप सुरक्षा की दृष्टि से इस मणि को राजकोष में रखवा दीजिए, खजाने में, क्योंकि ऐसी बहुमूल्य चीज आपके पास होगी तो वो उसके कारण आप भी सुरक्षित नहीं है, मणि भी सुरक्षित नहीं है। भले ही आप ये जो सोना उगलती है वो आप लेते रहे, लेकिन मणि आप कोष में खजाने में जमा करा दो। उसको ये सलाह ठीक नहीं लगी, उसने सोचा कि भगवान ही मेरी मणि के ऊपर वो हो गए हैं और चाहते हैं मणि, और इसलिए मंत्रियों के द्वारा कहलवा रहे हैं। भगवान ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं। लेकिन उसके मन में ये बात आ गई कि श्री कृष्ण को मणि का लोभ है। एक दिन क्या हुआ महाराज, उसका सत्राजित का भाई प्रसेन, मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने गया। वहां एक शेर ने, सिंह ने प्रसेन को मार डाला, मणि ले ली और आगे चलकर वह मणि एक रीछ में, जो जामवंत जी थे, राम जी के अवतार वाले जामवंत जी, उन्होंने सिंह को मार करके मणि छीन ली, अपनी गुफा में ले जाकर बालकों को खेलने के लिए दे दी। अब महाराज जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो प्रसेन को ढोवाया, लेकिन भैया उसका शरीर तो सिंह ने खा लिया था, अब कहां प्रसेन मिले, नहीं मिला। तब तो सत्राजित ने झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया कि भैया लगता है मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मरवा दिया और वो मणि ले ली, क्योंकि इनके मन में मणि का लोभ था। अब महाराज संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान के ऊपर ये कलंक क्यों लगा, एक बादों में ही आती है शायद, वो चौथ आती है बादों में, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लो तो झूठा कलंक लगता है, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, और धोखे से अगर दर्शन कर लिया जाए तो फिर ये सत्राजित वाली, श्रीमंतक मणि वाली कथा सुननी चाहिए, तो उस दोष का मार्जन होता है, नहीं तो कलंक लग के रहता है। ऐसी बात महापुरुषों ने कही है। इस भगवान ने एक दिन धोखे से चंद्रमा को देख लिया था, चतुर्थी को, ठाकुर जी को दोष लग गया, कलंक लग गया। भगवान ने कहा भाई इस कलंक का मार्जन करना चाहिए। ठाकुर जी कुछ प्रामाणिक व्यक्तियों को लेकर जंगल में गए,
और वहां महाराज उन्होंने छानबीन करी, होती है ना एक सीआईडी, वो घटना स्थल पर जाती है, जांच पड़ताल करती है, सबूत जुटाती है और फिर वो केस की स्टडी करती है, वो देती है। तो भगवान ने इसी प्रकार 10-20 लोगों को साथ लिया और जांच हुई। जांच करते करते वे पहुंचे मरे हुए घोड़े के पास, उसका घोड़ा भी मरा पड़ा था, घोड़े के कुछ शरीर के अंग पड़े थे। तो अब वहां से जांच शुरू हुई तो देखा कि यहाँ रक्त की बूंदें यहाँ से गिरती हुई आ रही हैं और रक्त की बूंदों का पीछा करते हुए और शेर के पैर के निशान बने हैं। उन शेर के पैरों का निशान का पीछा करते करते शेर की गुफा में पहुंचे। वहां महाराज उसका शरीर के अंग प्रसेन के और शेर के, प्रसेन भी मरा पड़ा है और शेर भी मरा पड़ा है। अब भैया जिसने प्रसेन को मारा था वो शेर भी मारा गया, अब तो शेर का खूनी कौन है? अब शेर के खूनी की खोज हुई। अब महाराज वहां गुफा में से एक रीछ के पैरों के निशान बने थे, उन पैरों के निशानों का अनुसरण करते करते भगवान रीछ की गुफा में पहुंचे हैं, प्रवेश कर गए हैं और वहां जाकर के और मणि भगवान ने एक बच्चे के हाथ में लगी थी वो ले लिए। अजय सी मणि छीनी तो बालक रोने लग गया, रीछ का बच्चा था। अब जैसे हल्ला किया तो भीतर से जामवंत जी आए। जामवंत जी ने देखा है कौन मनुष्य मेरी गुफा में प्रवेश कर गया, और उसने महाराज भगवान को लड़ने के लिए ललकारा और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। और ऐसा युद्ध हुआ है महाराज कि श्री कृष्ण और वो जामवंत जी रात दिन लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उनको 28 दिन हो गए। 28 दिन तक युद्ध चला और लड़ते लड़ते जामवंत जी की नस नस टूट गई, थक गए, हार गए और अब तो महाराज वो लड़ने के योग्य नहीं रह गए। तो उन्होंने चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, ठाकुर जी से कहा कि महाराज अब बस करिए, बस करिए, मैं आपको पहचान गया। बोले क्या पहचान गए? बोले महाराज आप मेरे त्रेता वाले श्री रघुनाथ जी हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, आराध्य हैं, साक्षात पुराण पुरुष हैं। महाराज आप में जो बल है उसका सामना मैं कर नहीं सकता, मुझे अपने बल का बहुत अभिमान था लेकिन आज आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया। हे प्रभु अब मेरी रक्षा करिए, मेरे अपराध को क्षमा करिए।